के मौके पर तेजस्वी प्रकाश ने की एक ही दुआ, मेरा चांद करण हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे। यानी कि अपने करण कुंद्रा को अपना चांद बना लिया है तेजस्वी ने। तो आइए जानते हैं कि ईद के मौके पर क्या विशेज और ब्लेसिंग्स मांगा है तेजस्वी ने करण के लिए, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आपको बता दूँ कि बेसिकली करण और तेजस्वी वेल वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक है। अक्सर जब भी इनकी बात होती है फैंस के लिए सुपर एक्साइटमेंट लेवल उनका काफ़ी बढ़ जाता है। खासतौर पर फैंस सुपर एक्साइटेड होते हैं उनके लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए। ऐसे में आपको बता दूँ कि जब करण और तेजस्वी को वेल शूटिंग के बाद स्पॉट किया गया तो करण और तेजस्वी काफ़ी अमेजिंग लग रहे थे। दोनों ने फाइनली ब्लैक की ट्विनिंग कर रखी थी, जहां तेजस्वी और करण दोनों ने अपने सभी फैंस को, सभी को ईद मुबारकबाद दी है। और साथ ही साथ ऐसे में आपको बता दूं कि जाते जाते तेजस्वी ने करण कुंद्रा के गालों को खींचते हुए यही कहा है कि मेरा चांद हमेशा मुस्कुराता रहे। यानी कि दुआ यही मांगी है कि करण जो है हमेशा से मुस्कुराते रहे, उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। और ऐसे में तेजस्वी प्रकाश की इन अदाओं पर सभी हो गए फ्लैट और सभी हो गए फिदा। तो ऐसे में देखा जाए तो करण और तेजस्वी की जोड़ी वाकई अमेजिंग है। तेजस्वी हमेशा से करण को काफ़ी पसंद करती हैं, काफ़ी प्यार करती हैं और ईद के मौके पर ख़ास तौर पर करण के लिए उन्होंने दुआएं मांगी है और यही कहा है कि मेरा चांद हमेशा मुस्कुराता रहे। तो तेजस्वी की इन अदाओं पर और तेजस्वी की इन दुआओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ।